बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यावर हुसैन अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी मिलकर इकबाल डे मना रहे हैं। अल्लामा इकबाल की बर्थडे मनाई जा रही है और आज प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान का मैं प्रॉपर मेंबर बनने जा रहा हूं और उनकी पूरी टीम मैनचेस्टर से आ रही है और पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी के हॉल में ये सारी चीजें मुनाकिद हो रही हैं। और आज हमने सोचा कि आपको भी साथ लेकर चलें, और क्योंकि मेरी भी बर्थडे आ गई है इत्तेफाक से, तो सारी चीजें मिक्स हो गई, तो हमने कहा आपके साथ ये शेयर करते हैं। तो आइए चलते हैं, वहां क्या हालात हैं और किस तरह से ये मनाई जाएगी, आइए चलते हैं। So as the Ottoman Empire was crumbling, and we know who was behind the crumbling of the Ottoman Empire in the Muslim world, we won't need to go into that, but he observed this. The attitudes, he observed how and why they hated the Muslims, why they did not want the Muslims to forget ruling the world, even ruling in their own areas, where the Muslims were the majority, like for example, we have the Middle East today, where you had Muslim majority nation, they did not even want Islam to be running in those countries. So through his observations, he began to write. And not only that, it wasn't just about people who were against Islam, he wrote about his own people. In fact, he also wrote about mental colonialism. Yes. How, not just the Muslim, how especially इकबाल को हीरो नहीं रहने दिया। और फिर एक और बात यह है कि इकबाल को आप मुसलमानियत के अंदर कैद ना करें, वो इंसानियत का शायर है। और रही बात, वो तो ये भी कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो तो हिंदुस्तान के साथ भी बड़ी मोहब्बत करते थे। तो ये अब उनको महदूद करना पाकिस्तान के अंदर या सिर्फ इस्लाम के अंदर, ये इकबाल के फलसफे के साथ जाती है। बहुत शुक्रिया से आज गुफ्तगू की इकबालियात के ऊपर। और वाकई अलामा इकबाल को शायर मशरक कहा जाता है, मशरक का शायर, ये सिर्फ और सिर्फ आजाद अलामा इकबाल के पास है। और अलामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, वरना मेरा शेर और शायरी क्या है। तो अलामा इकबाल जैसी शख्सियात जो है ना, वो सदियों में पैदा होती है। वो किसी ने कहा था कि उमर हा दरे काबा व बुत खाना मिनारत हयात ता फजमेश के हजारों साल नरगस अपनी बेरूनी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो अलामा इकबाल जब इस दुनिया में आए, आपने आपके जो उस्ताद थे मीर हसन साहब, उनसे तालीम आपने हासिल की। और जब अलामा इकबाल को सर का खिताब दिया जाने लगा, तो अलामा इकबाल ने कहा कि मैं उस वक्त तक सर का खिताब नहीं लूंगा जब तक कि मेरे उस्ताद मोहतरम को शमसुल उलमा का खिताब न दिया जाए और उनको कहीं पे बुला कर न दिया जाए, बल्कि उनके घर को पहुंचा दिया जाए। तो उनको भी नका मिला उनके उस्ताद को शमसुल उलमा और मीर हसन। नाम है वो है जबर द पावर, उनका नाम मैं चैनल स्पाइस रेडियो से वो परफॉर्म भी करते हैं, उर्दू के वो है दीवान भी है, उसके साथ साथ वो आपको पता है कि अच्छे सुरीले सुर बजाने वाले भी हैं, मेला कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, और इसके साथ साथ चीफ ब्यूरो उर्दू के जो हैं वो भी है। इतनी सारी खसूसियात के मालिक जनाब यावर हुसैन साहब, जनाब सदर, मोहतरम अजीजान गरामी, जनाब मेहमान खसूसी, जनाब मट्टू साहब,
اکبر صاحب، دیگر مزدوروں میں بھی۔ میرے لیے یہ بڑے احساس کی بات ہے کہ آج اقبال ڈے کے موقع پر میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جو کچھ پہلے مہمانوں نے کہا وہ آپ نے سنا، یہ ساری باتیں حقیقت اور مبنی ہیں اگر سوچا اور سمجھا جائے۔ بہرحال کو آگے بڑھاتے ہوئے، سب سے پہلے تو پاکستان کلچر سوسائٹی کسی طرح کے محتاج نہیں ہے، بس 30 سال سے وہ میدان عمل میں جناب سنم صاحب، رفیق صاحب، ڈاکٹر عارف اسد پاشا صاحب اور دیگر مہمان اور خاص طور پر نیو جنریشن میں شامل ہونے والے ریاض ہیں اور داری صاحب ہیں اور ماشاء اللہ بھی میرا پیارا بھائی عثمان تھا، بشر صاحب ہیں، اگر کوئی رہ گیا ہے تو حضرت، بہرحال یہ سبھی لوگ میدان عمل میں آ چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان پریس کلب جس کا آپ یہ اشتہار بھی دیکھ رہے ہیں، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج میں ان کو باقاعدہ طور پر جوائن کرنے جا رہا ہوں۔ کاوشیں کافی دیر کی ہیں اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں بھی شاید ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس اخبار سے جڑ جاؤں گا اور اس پریس کلب سے جڑ جاؤں گا اور کچھ سیکھنے کا مجھے اور بھی موقع ملتا رہے گا۔ اس سے سینئر لوگ یہاں پر موجود ہیں، جناب بٹ صاحب ہیں، بٹ صاحب ہیں، میں ان کا دل ممنون ہوں کہ انہوں نے انتخاب کیا تھی، وہ برتھ ڈے بھی تھی اور آج یہ اقبال ڈے میں شامل ہو گئے ہیں اور ساتھ میں ایک پریس کلب کے ممبر بھی ہو گئے ہیں۔ آپ کی بھرپور تعلیم ہے جناب یاور صاحب، اور اس تقریب کو سر انجام دینے کے لیے جناب پریزیڈنٹ مچو صاحب، پرویز مچو صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان پریس کلب آف پاکستان، پرویز بھٹی صاحب جو کہ نارتھ ایسٹ چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں، ان دونوں کو سے میں درخواست کروں گا تو وہ سامنے آئے اور یاور صاحب کو کہا اور سرٹیفکیٹ دیا۔ میں دلی ممنون ہوں دوستوں کا جو یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔
मेरा और इकबाल का फर्क इतना है कि वो एक दिन पहले मैं एक दिन बाहर था। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग मेरी खुशी में भी शरीक हैं और इकबाल डे की सेलिब्रेशन तो हो ही रही है, इसमें कोने कुदरे में कहीं इकबाल के कदमों में मैं भी बैठ जाऊं आप सबके साथ, तो मेरे लिए बड़े एहसास की बात होगी। तो एक और बात बताना चाहते हैं कि मुझसे सलीम मलिक साहब पूछ रहे आपके बेटे का नाम औरंगजेब कैसे हुआ, तो वो औरंगजेब पैदा हुआ है और उसे मैंने अपना बेटा बना लिया है माशाल्लाह, आज भी उसका भी जन्मदिन है माशाल्लाह। औरंगजेब को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद और हम उसके लिए दुआगो हैं, मेरा भाई है, बहुत अच्छा बच्चा है। हैप्पी बर्थडे औरंगजेब टू यू एज़ वेल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बार-बार दिल ये आए, बार-बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, यावर हुसैन, हैप्पी बर्थडे। तालियां। चमच कड़ी चढ़ो ना जी, फुल रिकॉर्ड हो रही पापा जी। Thank you.